पुर चुनाव उपचुनाव के लिए वोटिंग में भी एक हफ्ते से भी कम वक्त बचा है। तमाम कड़ियां थी उनको अब जोड़ लिया गया है बीजेपी की तरफ से। एक कड़ी बाकी रहती थी कि जेजेपी के नेता कब आदमपुर पहुंचेंगे, कब भव्य बिश्नोई के लिए वोट मांगेंगे, तो वो आज कमी पूरी हो गई है। पूरे हमले के साथ जेजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो हल्के में हैं, प्रचार कर रहे हैं भव्य बिश्नोई के लिए। बातचीत करते हैं जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह से। सर, देर तो आए हैं लेकिन लगता है कि आप दुरुस्त आए हैं। आपको गलतफहमी है, आपने उस दिन नहीं देखा जिस दिन नॉमिनेशन था, मैं भी मौजूद था, हमारे संगठन सचिव भी मौजूद थे। नहीं, नॉमिनेशन में थे सर, उसके बाद से बीच में क्या दिक्कत आई? बीच में तो कोई ब्रेक हुआ ही नहीं। दिवाली फेस्टिवल आया, इसी दौरान पंचायती राज के जो चुनाव हैं उनको लेकर के हमारा पूरी स्टेट में एक पूरा अभियान चल रहा था, वो पूरा करके आफ्टर दिवाली नेक्स्ट डे हम आ गए। दिग्विजय चौटाला जी ने भी अभी स्पष्ट किया, एक दो दिन पहले यहीं आदमपुर में ही मीटिंग हुई थी कार्यकर्ताओं की, आपके जो कार्यकर्ता, उसके बाद से एकदम से फैसला लिया गया कि अब कूद पड़ते हैं उपचुनाव में, अब जाके फील्ड में। उन्होंने क्या स्पष्ट किया? उन्होंने कहा कि हमारी अब मीटिंग हुई है और अब हमने फैसला लिया, अब हम बीजेपी के साथ हैं, गठबंधन के उम्मीदवार के साथ। ये उन्होंने ये नहीं कहा, उनसे आप लोगों ने कोई फोटो चित्र के बारे में पूछा और उन्होंने कहा भाई जो गठबंधन धर्म निभाने की हमारे से को उम्मीद करता है तो उसको भी निभाने के लिए अपनी नीयत को साफ करना होगा, अगर फोटो नहीं लगाया तो उनको लगाना चाहिए। उन्होंने ये बात कही। जब हम लोग नॉमिनेशन पे आए तो फिर पार्टी संगठन पार्टी मुखिया के आदेश पे आए हों, तो इसका कोई अलग अदरवाइज कोई नहीं समझना चाहिए। पार्टी गठबंधन में है, गठबंधन के नाते ही नॉमिनेशन पे आए थे और उसी के नाते आज कन्वेंशन कर रहे हैं। अभय चौटाला ने कहा है कि चौधरी भजन लाल जी ने जो किया देवेंद्र जी के साथ वो जग जाहिर है, अब अगर जाकर ये लोग वोट मांगते हैं दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला या जेजेपी वाले, तो वो देवेंद्र जी के साथ अच्छा नहीं होगा। अभय चौटाला जी के दादा श्री चौधरी देवीलाल जी भाजपा के साथ हमेशा गठबंधन में रहे, डॉक्टर मंगलसेन से लेकर के लगातार गठबंधन रहा और हम उनके साथ वो हमारे साथ ऐसे चलता रहा। आज पता नहीं उस बात को क्यों भूल गए, हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ और उसको निभा रहे। बार बार ये बात रिपीट कर रहे हैं सर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर मीडिया के साथ से बातचीत करते हुए कि अगर ये लोग जाएंगे, हालांकि रणजीत सिंह हैं, उनके परिवार से ही हैं, वो बीजेपी में भी वोट मांग रहे हैं, लेकिन एलएफजी शायद सिर्फ और सिर्फ दिग्विजय और दुष्यंत सिंह। देखिए वो हो सकता है भूल जाते हैं या उनकी कोई और पीड़ा, अब उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। मैंने आपको बता दिया कि ये गठबंधन उन्होंने झेला है, वो भी उसमें थे, उनके दादा श्री ने हमेशा रखा और हमारा तो पुराना रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो निभा रहे हैं। सर, कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं, वो आए, युवा हैं, अच्छी मेहनत, दुष्यंत चौटाला आए, अब ये दोनों ही नहीं चाहेंगे कि एक और सेक्स इनके पैरलर में खड़ा हो, यानी कि भव्य बिश्नोई को यूथ और आ गया है इनको टक्कर दे ताकि भविष्य में दिक्कत ना हो, इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए कौन क्या सोचता है क्या कहता है इस बात में तो हम नहीं जाएंगे। मैंने आपको बड़ा क्लियर कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन है, उस गठबंधन धर्म को निभाने का हमारा दायित्व है, उसको हम निभा रहे हैं। नॉमिनेशन में भी थे, आज कन्वेंसिंग में भी हैं और एंड ऑफ द जो है ना इलेक्शन, जब तक ये कन्वेंसिंग चलेगी वो पूरी करेंगे। कार्यकर्ता सर रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी पार्टी की, क्या आप लोग चलिए घूम रहे हैं, मांग रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को आप लोगों ने समझा लिया है, वो लोग क्या अभी बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं या दूसरे कार्यकर्ता हैं कि वो गांव में भी भव्य के लिए प्रचार करेंगे और उनकी क्या ड्यूटियाँ भी आप लोगों ने लगाई है इलेक्शन वाले दिन? जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश से बाहर नहीं जाता, जो उन्होंने कहा वो उनका आदेश, उनका संदेश उन गांवों तक, उन लोगों तक पहुंचाते हैं, बड़ी खुशी से सहर्षो स्वीकार करते हैं और उनकी ड्यूटियां भी लगाई, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी साथ होते हैं और मिलकर के काम करेंगे और अपने नेता के आदेश की पालना। जहां बैठे हैं इसके ठीक उस साइड भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे राम रमी के लिए,
आपने बोला कि अगर जेपी यहाँ जीतेंगे तो आपको दो विधायक मिलेंगे, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एक जयप्रकाश। लेकिन हकीकत ये है सर, जब 10 साल का भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, इस हलके को बहुत ज़्यादा दरकिनार किया गया। स्थिति आप अभी घूम कर आए हैं, क्या हालात है आपको पता है? चुनावी समय में ऐसी बातें, ऐसे नारे दिए जाते हैं, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि गठबंधन का उम्मीदवार आज भी लीडिंग पोजीशन में है और जीतेगा। मुकाबला सर आम आदमी पार्टी, क्योंकि वो भी कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शुरुआत हरियाणा की आदमपुर से ही करेंगे हम, 2024 का चुनाव आएगा इसकी शुरुआत अभी से, आदमपुर से पहला विधायक आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र सिंह का। जो भी नॉमिनेशन करता है वो इसी उम्मीद को लेकर के करता है कि मैं विधानसभा में पहुंचूं। तो देखिए, प्रयास तो सभी लोग करते हैं, लेकिन मुकाबला जनता किसके साथ देती है जनता का विषय है, जनता का काम है। हम ये मान के चलते हैं और पूरी तरह से उम्मीद में हैं कि गठबंधन का जो प्रत्याशी हो जीत। चलिए सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसे किसान संघ जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि गठबंधन के जो उम्मीदवार वो अच्छे खासे बहुमत से, अच्छे खासे वोटों से इस उपचुनाव में जीत हासिल करेंगे। साथ ही जननायक जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से गठबंधन के समर्थन में है और भव्य बिश्नोई के लिए प्रचार करेंगे। आदमपुर से कैमरामैन अतुल के साथ विकास बिश्नोई।